Good afternoon, everyone. आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप सभी लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ओके मीनू, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो हम शुरू करेंगे आज जीएस, और जीएस में क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री. ठीक है, हम सब क्या पढ़ेंगे आज? हिस्ट्री. तो सबसे पहले मुझे सब अपना अपना बता दीजिए कि जब आपके दिमाग में हिस्ट्री शब्द आता है, या जब कोई हिस्ट्री कहता है और आपको हिस्ट्री सुनाई देता है, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है, या आपकी हिस्ट्री की क्या समझ है? ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि मैं समझ सकूं आपका कितना नॉलेज है, ठीक है, हिस्ट्री में, और हम उस लेवल से शुरू कर सके. ऑडियो रुक रही है. ठीक है, अब दोबारा से सुनिए एक बार. आपको आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून कमलजीत, किरणजीत कौर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अंजित शर्मा. फर्स्ट डे ऑफ हिस्ट्री. यस, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, निखिल वर्मा. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताइए. ठीक है, मेरी तरफ से सबको गुड आफ्टरनून. और मैंने अज्यूम कर लिया कि आप सभी का, मेरे को भी विश वैक आ गया है, आपकी ग्रीटिंग आ चुकी है. तो हम लेक्चर शुरू करते हैं. मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि जब भी आपको आपके दिमाग में हिस्ट्री हिस्ट्री शब्द आता है, या आपको जब इतिहास सुनाई देता है या हिस्ट्री सुनाई देता है, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? आप हिस्ट्री से क्या समझते हैं? पास्ट रिकॉर्ड्स, वॉर्स. निखिल वर्मा. ठीक है, और जल्दी जल्दी बता दीजिए. संजोली, पास्ट. कोई और बताएगा जल्दी जल्दी से? सभी सभी कमेंट करने की कोशिश करिए. पास्ट. मनदीप कौर, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी. मनदीप कौर ने बताया पास्ट. अंशित शर्मा, एवोल्यूशन. अंकित, हेरिटेज. वेरी गुड, वेरी गुड. सारे अपने अपने ख्याल बता रहे हैं, हम लोग इनको कंबाइन करके ये पढ़ेंगे. लेकिन सब बता दीजिए पहले कि आप लोगों को हिस्ट्री से क्या समझ आता है. फाइट्स, अंशित शर्मा. मनजोत सिंह, पास्ट. ठीक है, वॉर, पास्ट. मीनू, वॉर. डिफरेंट स्टेजेस, संजोली. ओके, जल्दी जल्दी बताइए, सारे बताइए. मेरे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? आप में से हमारे साथ हैं हरप्रीत कौर, हरविंदर, सुखविंदर, निखिल वर्मा, जसकरणदीप सिंह, मनप्रीत कौर, गुंजन कौर, संजोली, रमनदीप कौर, किरणजीत कौर, विकास जिंदल, तानिया, मनोज, मनप्रीत, हरप्रीत. अजित, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं. तो आज हम शुरू कर रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप सबके दिमाग में हिस्ट्री सुनते ही क्या आता है. जब ये आप हिस्ट्री आपके दिमाग में आता है, तो उसके साथ क्या चीजें आती हैं? तो जल्दी से खत्म करिए. जो नए आए हैं, अभी रिसेंटली जुड़े हैं, वो मुझे बता दीजिए, जिन्होंने नहीं नहीं बताया है अभी तक, कि हिस्ट्री में जब सुनते हैं हिस्ट्री शब्द, तो आपके दिमाग में क्या आता है, या हिस्ट्री के आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, आप हिस्ट्री से क्या क्या समझते हैं, वो जल्दी से बता दीजिए. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको. आप सभी ने जो कहा, कुछ कुछ सभी ने बताया, उसको ऐड करके ही हम लोग मिलजुल के समझेंगे हिस्ट्री. सर, ऑडियो क्लियर नहीं है. एक वेट अ सेकंड. अब मुझे एक बार बताइए, अभी अभी ऑडियो क्लियर आ रही है? जशनदीप सिंह, अब ऑडियो क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है आपको? सिर्फ पास के बारे में. जसप्रीत सिंह, आप बता दीजिए मुझे एक बार, आवाज क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना. तो हम सभी ने अलग अलग कहा. कुछ लोगों ने कहा हेरिटेज है, कुछ ने कहा एवोल्यूशन है, कुछ ने कहा वार है, कुछ ने कहा पास्ट है. ठीक है, लेकिन हम लोग समझेंगे आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषा में, कि हिस्ट्री होती क्या है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो आप मुझे बताइए कि हम शुरू करें? आ चुके हैं सारे लोग? ठीक है, शुरू करें. ओके ओके, शुरू कर रहे हैं. ठीक है, हिस्ट्री आज से लेके आज से पहले तक जो भी चीजें हुई, जैसे आपने कहा पास्ट, लेकिन शुरुआत का भी कोई पॉइंट है. ठीक है, और वो पॉइंट है जिस पॉइंट में इंसान ने अपना जो भी वो करता था, आसपास देखता था, ठीक है, उस चीज को लिखना शुरू करा. तब से लेके आज से पहले की जितनी भी चीजें हैं, वो होगी हिस्ट्री. क्या होगी वो? हिस्ट्री. कहां से लेके कहां तक? जब इंसान ने लिखना शुरू करा. ठीक है, अब हम सब लोग जब पैदा होते हैं, तो पैदा होते तो लिखते नहीं है, सीखते हैं. उसी तरह जो शुरू के इंसान थे, वो बंदरों से इवोल्व हुए थे. आप सभी को पता है ना, आप हम आपसे ही एक किसी ने कमेंट करा है एवोल्यूशन, तो आपको पता है कि एवोल्यूशन हुई है. ठीक है, तो एवोल्यूशन में क्या हुआ? बंदरों से हम इंसान बने हैं, तो बंदर तो लिखते नहीं है, हमने बीच में कहीं लिखना सीखा. ठीक है, और तब से लेके आज तक की हिस्ट्री को, अंजित शर्मा मैंने कहा था, वेरी गुड अंजित शर्मा. ठीक है, तब से लेके आज तक की हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? इतिहास. ठीक है, क्या कहते हैं? इतिहास. अगर अब आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो आपने आसान से आसान शब्दों में उसको बताना है, तो कैसे बताएंगे? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए.
आपसे अगर कोई पूछे हिस्ट्री क्या है, तो आप सिंपल ये नहीं कहिए कि पास्ट, पास्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जब इंसान लिखता नहीं था उसके पहले का समय भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब से इंसान ने लिखना शुरू करा, हमारे पास उस चीज के रिकॉर्ड है, ठीक है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, अंजित शर्मा, सिर्फ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन नहीं कह सकते, वो पूरा का पूरा आ जाता है, उसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, लाइक स्टोरी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि हिस्ट्री वो है जब इंसान ने पहली बार लिखना शुरू करा था और पहली बार कोई रिकॉर्ड्स बनाए थे, ठीक है। तब से लेके आज तक की जो भी चीजें हुई, आज से पहले तक की जितनी भी चीजें हुई, वो सारी की सारी आती हैं हिस्ट्री में। क्लियर? जल्दी से बताइए, इतनी बात आपको समझ आ गई, पता चल गई, तो जल्दी बताइए, हम आगे करें। संजोली, क्लियर? मंदीप, यस। सुकुंदर, अंकिता, यस। द फर्स्ट इवेंट ऑफ रिटर्न, यस। जब फर्स्ट इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट था जिसको लिखा गया, उस इवेंट से लेके जो अभी से पहले जो इवेंट हो गए, वो सारे के सारे हिस्ट्री में आ गए। सिर्फ उतना पार्ट पास्ट का, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। सिर्फ उतना पार्ट, सिर्फ वो पार्ट जहां पे इंसान ने जहां से लिखना शुरू करा वहां से लेके आज तक का पार्ट, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। और आपके दिमाग में, जैसे हमारे में से अंजित शर्मा ने कमेंट करा था कि स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, या ठीक है एवोल्यूशन, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात भी जरूर आई होगी, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के शायद ये बात आई होगी कि जो हम लोगों ने, जब इंसान ने लिखना शुरू करा था, तब से अब तक की चीज को, जो भी टाइम था, जो भी पास था, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले जो चीजें हुई उसका क्या, उसे भी कुछ कहते होंगे, ठीक है। तो किसी को अगर मालूम है तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं किसे किसे मालूम है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी को मालूम है, तो हिस्ट्री के पहले टाइम को हम लोग क्या कहते थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। नो आइडिया सर। तो आज हम उस चीज का आइडिया लेंगे और हम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, ताकि आगे से जब कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या हो, आप लोग सीधा जवाब दें, आप नो आइडिया ना कहें, ठीक है। तो उससे पहले की चीज को, हिस्ट्री से पहले की चीज को हम लोग, जो भी पास था, हिस्ट्री के पहले का जो पास था, मतलब हिस्ट्री क्या होगी, जब से इंसान ने लिखना शुरू करा तब से लेके आज तक के जो इवेंट है, जो रिकॉर्डेड है, रिटर्न में रिकॉर्डेड है, उससे पहले की जितनी भी चीजें थी, उन्हें हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं, मैं एक बार यहां पे आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब प्री का मतलब सभी को पता है, पहले। हिस्ट्री से, हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से पहले, किससे पहले, हिस्ट्री से पहले, ठीक है। प्री हिस्टोरी का, हिस्ट्री का मतलब हो गया हिस्ट्री से पहले, और पीरियड मतलब वक्त, हिस्ट्री से पहले का जो वक्त था उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दीजिए, ये बात आपकी क्लियर हो गई कि अब आपको अगर कोई पूछे तो आप नो आइडिया नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, हिस्ट्री के पहले का जो वक्त था, हिस्ट्री के पहले का जो पास था, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हिस्ट्री के पहले का जो हमारे पास क्या था, पास था, उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, उसे हम कहेंगे, संजोली वेरी गुड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मनजोत सिंह प्री हिस्टोरिक पीरियड, वेरी गुड वेरी गुड, हम कहेंगे मनदीप कौर, मनदीप, सारे आप, अब आप लोगों को, सारों को, ठीक है, पता, करुणा, आप सभी लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि क्या कहेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री कहां से शुरू, प्री हिस्टोरी और पूरा जो भी पास्ट है वो कहां से शुरू हुआ, ताकि हम लोग इसको पहले एक स्टोरी की फॉर्म में समझ पाए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए, तो हम लोग इसको एज अ स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, जब कुछ भी नहीं था तो उस वक्त क्या हुआ था, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है आपने, अगर नहीं पढ़ी है तो जब हम ज्योग्राफी करेंगे उसमें बिग बैंग थ्योरी जरूर पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या कहा जाती है, कि मोस्ट वैलिड थ्योरी मानी जाती है, किसके लिए, कि जो बताती है हमें कि किस तरह यूनिवर्स बना था, जिस तरह से ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड बना था। आज जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी चीजें, प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, ये पेन है, ये रिमोट है, ये स्क्रीन है, मैं हूं, आप हूं, ये सारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, यूनिवर्स में। हम में से कोई भी चीज जो हमें पता है वो यूनिवर्स के बाहर की नहीं है, ठीक है। ये जीवों में
एग्जैक्टली मनजोत सिंह, बिग बैंग। वैसे तो कई सारी थ्योरीज है, जैसे पॉलीसेंट्रिक थ्योरी होगी, बिग बैंग होगी, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, हमारा टाइम शुरू हुआ था जीरो टाइम से लेके आज तक का जो भी शुरुआत हुई वो कहां से हुई, बिग बैंग थ्योरी से। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी हम क्यों कह रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये साइंटिस्ट कहते हैं कि मोस्ट वैलिड है, ये सबसे ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज है होने की। ठीक है, तब से लेके आज तक जितने भी इवेंट हुए वो सब हिस्ट्री में आ गए, लेकिन हमारा मतलब हम इंसान है, हम किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंसानों की। ठीक है, तो हमारा मकसद है इंसानों की हिस्ट्री पढ़ना। तो मैं तुम लोगों को मोटा मोटी समझा देता हूं ताकि तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ सके। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या कहते हैं कि जैसे बिग बैंग धमाका हुआ उसके बाद क्या हो गया, ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड के बाद क्या बन गया, छोटी छोटी ब्रह्मांड में गैलेक्सीज बन गई। ठीक है, जिन्हें आकाश गंगाएं कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मिल्की वे, या फिर के मंदाकिनी भी कहते हैं और आकाश गंगा भी कहते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। लेकिन अगर हमने दोनों पढ़ लिए तो अगर हमें आ गया कभी तो हम दोनों को समझ सकते हैं। ठीक है, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, और हिंदी में मंदाकिनी या आकाश गंगा ही कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वैसे फिर अलग अलग मंदाकिनी, अलग अलग आकाश गंगाएं बन गई, मतलब अलग अलग गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज में क्या होता है, बड़े सारे तारे होते हैं, बड़ा सारा तारा मंडल होता है। ठीक है, जैसे हमारा तारा कौन सा है, जो हमारा खुद का अपना है, कोई बताएगा हमारा खुद का अपना तारा कौन सा है? हमारा तारा है सूर्य, या सूरज जिसे हम सूरज कहते हैं, सन कहते हैं। ठीक है, तो सन है हमारा तारा। तो सन के इर्द गिर्द जो उसके प्लैनेट्स हैं उनको मिला के क्या बन गया, सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, और उसी सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या आता है, अर्थ में ही लाइफ है। ठीक है, और लाइफ में ही एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है वो है इंसान। तो हम लोगों ने क्या करना है, इंसान की हिस्ट्री पढ़नी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें हुई। ठीक है, लगभग 400 करोड़ साल पुरानी हमारी हिस्ट्री, सॉरी अर्थ है। ठीक है, और उसमें से भी क्या है, उसमें 400 करोड़ साल पुरानी में से इंसान को बस कहते हैं कि 26 लाख साल पहले इंसान का ओरिजिन हुआ। तो आप सोच लीजिए अर्थ के अकॉर्डिंग इंसान कितना नया है। ठीक है, 26 लाख साल पहले, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2.6 मिलियन। ठीक है, तो बस इंसान की जो हिस्ट्री है वो इतनी कर पुरानी है। लेकिन जो अर्थ की हम बात करें तो अर्थ अकेली 400 करोड़ साल पुरानी है, और जब हम ब्रह्मांड की बात करें तो वो पता नहीं कितना पुराना है। हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हम प्रूफ कर सके, एग्जैक्ट नंबर बता सके कि वो कितना पुराना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर यहां तक आपको समझ आ चुका हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड, मतलब यहां तक आपको पता चल गया। तो उसके बाद क्या था, जब शुरू से ही जब अर्थ बनी तो शुरू से ही वहां पे लाइफ थोड़ी थी। कभी मुझे बताएगा वहां पे शुरू से ही लाइफ थी या बाद में लाइफ आई, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? नो। ठीक है, दीपेंद्र ने कहा नो, अंकित ने कहा बाद में। मतलब सारों को, आप लोगों को इतना आइडिया है कि अर्थ में जो लाइफ थी वो बाद में आई। पहले क्यों नहीं थी, पहले एक आग का टुकड़ा जैसा अर्थ क्या था, सूरज से टूट के बना है ना, जितने भी प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, वो जैसे बहुत गर्म थे, ठीक है, वहां पे लाइफ नहीं थी। धीरे धीरे टेम्परेचर लो हुआ, ठीक है, पानी आया, ऑक्सीजन बनी, फिर क्या हुआ, जो समुद्रों में लाइफ बनी। ठीक है, समुद्रों से धीरे धीरे एम्फीबियंस, मतलब जिन्हें अपेचर कहते हैं, मतलब जो समुद्रों से बाहर आए, समुद्रों और जो पानी में और जो चीज धरती पे दोनों जगह रह सकती है उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से धीरे धीरे अलग अलग स्पीशीज बनी, वैसे मैमल्स आए, मैमल्स में ही आते हैं हम लोग ह्यूमंस। ठीक है, और हम लोग पिरामिड्स से, प्राइमेट्स जो बंदर हैं, बड़े बड़े एप्स हैं, जैसे एप्स जैसे चिंपैंजी है, गोरिला है, ओरेंगोटैन है, ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। ठीक है, हम इनकी फैमिली से आए हैं सर, बिकॉज ओरिजिन होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मैं आपकी बात एग्जैक्टली समझा नहीं, आपने क्या कमेंट करना चाहे दीपेंद्र, लेकिन शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट कर दीजिए, आसान भाषा में या क्लियर शब्दों में लिखिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किस तरह लाइफ बनी। ठीक है, लाइफ के बाद क्या हो गया, आप हम सभी को पता है कि इंसानों के पूर्वज हैं वो है बंदर। तो सभी तरह के बंदर थे, एक तरह का बंदर था, उसी से अलग 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 तरह के बंदर बने। ठीक है, बने ना, तो आप सारे बंदरों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम में से कुछ बंदर जब बहुत मोटे मोटे, बहुत चौड़े, बहुत बूढ़े, जैसे गोरिल्ला होता है, कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा है, कितना विशाल है। ठीक है, उसके आगे इंसान तो कुछ भी नहीं है, वो इंसान को एक जोर से मारे तो इंसान को तो काफी नुकसान होगा। ठीक है, अब आपने किसी ने बबून बंदर देखा हो तो बबून बंदर के पास क्या बड़े बड़े दांत है, वो तो इतना खतरनाक है, एक बार काट ले तो हमें तो काट खाए वो।
ठीक है, उसके बाद अलग अलग जैसे चिंपैंजी है उसकी बाजू कितनी स्ट्रांग है, ठीक है पूरा दिन वो लटक के रह सकता है किसके साथ, पेड़ों के साथ, लेकिन इंसान उनके कंपैरिजन में इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जब बंदर आ गए धरती में, ठीक है हमने इतना समझ लिया कि बंदर आ गए धरती में, वहां तक आ गए, तो ठीक है बंदर सारे के सारे एक एरिया में रह रहे हैं। जैसे मान लो एक जंगल में एक पेड़ है, उसमें 100 बंदर रह रहे हैं, ठीक है 100 बंदर रह रहे हैं, लेकिन उस पेड़ पे सिर्फ 30 बंदरों का खाना है, उस पेड़ पे कौन से बंदर रह जाएंगे? उस पेड़ में वो बंदर रह जाएंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। क्यों? क्योंकि वो ताकत बंदर बाकी के 70 बंदरों को जो कमजोर हैं उन्हें खदेड़ के उस पेड़ से भगा देंगे, वो अगले पेड़ में जाएंगे, अगले पेड़ में फिर से उससे ज्यादा ताकतवर रहेंगे। वैसे ही जो सबसे कमजोर होंगे उन्हें जमीन पे आना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो जैसे इंसान है, जो इंसान के पूर्वज हैं, वो जमीन पे पहुंच गए तो कितने वल्नरेबल हो गए, कितनी आसान शिकार बन गए वो, ठीक है। क्योंकि इंसान ना घोड़े की तरह या हिरण की तरह तेज दौड़ के छलांगे मार सकता है, ना चीते की तरह सबसे तेज भाग सकता है, ठीक है, ना ही इंसान के पास बड़े बड़े दांत हैं या बहुत बड़े बड़े नाखून हैं, ठीक है, हैं कि हमारे पास क्या है, दिमाग, ठीक है। लेकिन दिमाग भी उस वक्त इंसानों को इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं था, ठीक है, लेकिन इंसान को क्या है, सर्वाइव तो करना है। हमारे पूर्वज उस वक्त सर्वाइव कर पाए, इसी वजह से आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं और मैं लेक्चर दे रहा हूं। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो यहां तक अगर आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है, स्पीड ठीक है हमारी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, करुणा, संजोली, जो जो भी हमारे साथ क्लास में है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस सर, यस सर, यस क्लियर सर, वाओ सर, यस सर, यस सर, इंटरेस्टिंग, अनमोल, यस सर, यस सर, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को एकदम सिस्टम वाइज समझ आ गया, ठीक है, अंशी शर्मा, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंसान, मैंने बताया कि इंसान के पास बहुत बड़े बड़े दांत नहीं थे, बहुत बड़े बड़े क्या थे, नाखून भी नहीं थे, बहुत तेज भी नहीं दौड़ता था, या कछुए की तरह हमारे पास शेल होता तो हम क्या करते, जल्दी से सिकुड़ के अपने शेल के अंदर घुस जाते, कोई शिकारी आया हमें खाने के लिए तो हम क्या करेंगे, घुस गए, लेकिन हमारे पास ये कुछ नहीं था। तो अगर हम पे कोई भेड़िया या शेर या भालू, कोई बड़ा जानवर, कोई बड़ी बिल्ली जो उस वक्त होती होगी, अगर वो अटैक करती तो हम लोग तो आसान शिकार थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उस वक्त शिकार हो गए होते, हमने ये पढ़ा, तो हम आप यहाँ पे क्लास में नहीं होते। तो इसका क्या मतलब है, इंसान शिकार नहीं बना, इंसान के पास बचने का कोई भी कुदरती सोर्स नहीं था, उसके बावजूद इंसान ने सर्वाइव करा। तो वो सर्वाइव कैसे करा, मुझे आप में से किसी को आइडिया है सर्वाइव कैसे करा? शिकार बनाया, वी मेड टूल्स टू डिफेंड, वेरी गुड अर्चित शर्मा, अवरसेल्व्स, ठीक है। तो क्या था, आज भी अगर हम देखें, अगर आप में से कोई अकेला सड़क में जा रहा है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप खाली हाथ हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना निहत्थे, बिना हथियार के आप खाली जा रहे हैं, एकदम से कोई कुत्ता आता है आपकी तरफ भाग के, या फिर कोई जंगल में जा रहे हो, कोई जानवर आप पे अटैक करता है, तो आज भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर उधर देखते हैं, कोई लाठी या कोई डंडा या फिर कोई पत्थर उठाते हैं, क्या करते हैं, अपने आसपास देखिए कोई पत्थर उठाते हैं, उसे जोर से मार देते हैं कुत्ते को, और वो क्या करता है, डर के, मनजोत सिंह, वेरी गुड स्टोन, वो क्या करता है, कुत्ता पत्थर के डर से भाग जाता है, ठीक है। या फिर हम जोर जोर से बाजू पड़ के चिल्लाने शुरू हो जाते हैं, कोई छोटा जानवर आ गया तो उससे क्या होता है, वो डर के भाग जाता है, ठीक है। इंसान के पास इतना कर दिमाग था कि वो ये चीज कर सके, और एक और चीज इंसान के पास जिसकी वजह से वो पत्थर या डंडा उठा सकता है, देखिए दिमाग तो बहुत सारे जानवरों के पास है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंसान ने ही पत्थर और डंडा क्यों उठाया, ये सोचने की बात है या नहीं है? फाइट तो बाद में आई गुरजन सिंह, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी जो हमारे पास एक चीज तो थी, इंसान के पास दिमाग था, उसको ये पता था कि मैं अगर पत्थर मारूंगा, ठीक है, ये पत्थर हार्ड है, अगर ये किसी पे पड़ेगा तो उसको लगेगी, वो भागेगा, वो डरेगा, एक चीज तो ये थी। लेकिन अगर मान लो किसी कुत्ते को भी ये चीज पता है, लेकिन वो पत्थर उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, ये चीज कुत्ते को मालूम है, मान लो उसके बाद कुत्ता पत्थर उठा सकता है या नहीं उठा सकता, तो उसका आंसर है नो। तो आपके दिमाग में आया, कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा क्यों है, वो क्यों पत्थर नहीं उठा सकता? किसी के दिमाग में आई ये बात तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दिए एक बार कि वो क्यों पत्थर नहीं उठा सकता। आज हम इसका भी आंसर जान लेंगे। तो उसका जवाब है ये, देखिए ये क्या है,
ये हैं अंगूठे जो ऑपोजिट साइड बंद होते हैं उंगलियों के। देखो ना उंगलियां यहां से आ रही है, अंगूठे कहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। ये बात कभी आपने नोटिस करी, कुत्ते का आपने पाव ये बिल्ली का क्लॉ देखा होगा, तो उनके कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना पंजे, एक तरफ ही बंद होते हैं, वो अंगूठे भी ऐसे बंद होंगे, ठीक है, उनका ऑपोजिट डायरेक्शन से जाता है नहीं जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, डॉग्स और कैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी चीज को ग्रिप नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये बाजू पकड़ ली अपनी, या फिर ये देखिए ये पेन को ग्रिप कर लिया, कोई टूल पकड़ लिया, ऐसे कोई टूल पकड़ लिया, जैसे कोई पत्थर उठा लिया, ऐसे कुत्ते ये बिल्ली नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये चीज थी, हमारी एवोल्यूशन इस तरह से हुई थी कि हमारा अंगूठा जो था वो ऑपोजिट साइड में बंद होता था। क्यों ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ था, क्योंकि हम लोग रहते थे पेड़ों पे, और पेड़ों पे रहने के लिए सिर्फ पैर के बल इंसान खड़ा हो सकता है, गिर जाएगा, जरा सा पेड़ हिलेगा इंसान ऐसे आगे को या पीछे को गिर जाएगा। लेकिन अगर इंसान को पेड़ पे रहना है तो नीचे से तो ग्रिप बना ली उसने पैरों के साथ, ऊपर से भी उसको ग्रिप बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसको ऊपर से भी से टहनियां पकड़नी पड़ेगी, और टहनियां पकड़ने के लिए उसको एक अंगूठा नीचे से घुसाना पड़ेगा। इस वजह से इंसान की एवोल्यूशन हुई थी, इस वजह से क्या है, इंसान ग्रिप कर सकता था, ठीक है। अगर आपने कोई बंदर देखा होगा, जैसे मकैक बंदर हमारे आसपास बहुत कॉमन है, ठीक है, बुरे बुरे बालों वाले, लाल लाल मुंह वाले देखे होंगे ना आपने आसपास, इंडिया में काफी कॉमन है, ठीक है। तो वो बंदर क्या करते हैं, अगर उन्होंने अपने पैरों और हाथों से दोनों से डालियां पकड़ लेते हैं, अगर उन्होंने आप में से किसी ने जू में या वाइल्ड लाइफ में, या बंदर तो आजकल आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर पहाड़ों में जाओगे, जंगलों में जाओगे तो सड़कों में बंदर मिल जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप उन बंदरों की पैरों को देखोगे तो उनके पैरों का अंगूठा जो होता है वो भी इंसान के हाथों के अंगूठे की तरह ऑपोजिट साइड होता है, वो पैरों से भी लटक जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो इंसान क्या था, इंसान क्या कर सकता था, ग्रिप कर सकता था। अब मान लो आप उस वक्त के इंसान है, इंसान भी छोड़िए, आप उस वक्त के जो भी इंसान के पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो हो, और आप एक खाली जंगल में है जहां पे आपको भागने का कोई, कहां तक भाग जाओगे, हमारे से तेज भागने शिकारी जो होते हैं वो शिकार से ज्यादा तेज होते हैं, है ना। हो सकता है शिकार लॉन्ग टर्म के लिए तेज भागे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए जो होगा शिकारी को तेज भागना पड़ेगा ताकि वो शिकार को पकड़ के अपना पेट भर सके, ठीक है। तो इसीलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आप में से किसी ने कमेंट करा था, ठीक है। तो इन सब बातों को हम बाद में करेंगे जब इन टॉपिक्स पे आएंगे, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सब डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आज की क्लास इंट्रोडक्शन की है, ठीक है, कि हिस्ट्री का आपको जो फोबिया है, डर है कि डेट्स, हिस्ट्री जो मिथ्स हैं कि हिस्ट्री में तो डेट्स पढ़नी पड़ती हैं, हिस्ट्री में तो बस लड़ाई हुई है, हिस्ट्री में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हिस्ट्री से जो चीजें हुई हैं वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं, हिस्ट्री में जो हमने गलतियां करी है उन गलतियों से सीख के हम लोग अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, फ्यूचर में वो गलतियां अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक टास्क दिया था कि मान लीजिए आप उस एक खाली मैदान में या जंगल में हैं और उस वक्त के आप इंसान हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई शिकारी, भेड़िया, कुत्ता, चीता, लोमड़ी या कोई ऐसा बड़ा शिकारी आपके ऊपर, अगर छोटा शिकारी है तो वो उसका ग्रुप आएगा, अगर बड़ा है तो वो अकेला आएगा, आपके ऊपर हमला कर देते हैं, आप क्या करोगे, आप उस वक्त होते तो क्या करते, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप क्या करते हैं? अपने आसपास देखते हैं, जैसे हमने आज भी जैसे हम वैसे ही करते हैं, जब हम एक गली में जाते हैं, सुनसान गली में कोई कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है तो हम क्या करते हैं, आसपास देखते हैं कोई छड़ी तो नहीं है, या फिर कोई क्या पत्थर तो नहीं है, हम पत्थर उठाते हैं और उस कुत्ते को मारते हैं, और वो क्या करता है, चिल्लाता हुआ रोता हुआ भाग जाता है जब उसे पत्थर लगता है। अगर उसे पत्थर नहीं भी लगा तो उसे पता चल गया है कि ये पत्थर अगर मुझे लग गया तो मेरी हालत खराब हो सकती है, इसलिए वो पत्थर देखते ही अब तो हम यूं जान के यूं नीचे झुके कि एक्टिंग कर दे कि हम पत्थर उठा रहे, तो कुत्ता भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि पत्थर से लगेगी। इंसान ने उस वक्त ऐसे ही करा होगा, पत्थर उठा लिया, पहला जो इंसान होगा मान लो जो धरती पे आया, जमीन पे उतरा, क्यों उतरा, क्योंकि जो उससे ताकतवर बंदर थे उन्होंने खाने पे, जो उसका खाना कहाँ पे था, पेड़ पे था, उस पे कब्जा कर लिया, अब उसको ऊपर खाना नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव तो करेगा ना, उसे खाना तो खाना ही है ना, भूख से थोड़ी मरेगा, तो वो खाना ढूंढने के लिए पेड़ों से नीचे उतर गया, या हो सकता है कि उसके जो पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे उनको फोर्सफुली पेड़ों से निकाल दिया जमीन की तरफ, ठीक है। तो इंसान ने क्या करा, बचने के लिए, या फिर उसने शिकार करना है, ठीक है, ये कुछ भी करना है, उसने देखा कि ये पत्थर अच्छी चीज है, इसको उठा के मारेंगे तो लगेगी, और लगेगी जब तो या तो वो जो आगे से आ रहा शिकार है तो वो मर जाएगा, उसे हम खा जाएंगे, अगर वो हमें कोई मारने के लिए आ रहा है हम उसे मारेंगे तो वो डर के भाग जाएगा। इसी तरह जब इंसान ने पत्थरों को अपना एज अ टूल यूज करना शुरू कर दिया तो उस पीरियड को कहते हैं हम लोग, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, जब स्टोन को इंसान ने यूज करना शुरू कर दिया तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, जब इंसान ने स्टोन को अपना एज अ टूल डेवलप करके उसको यूज करना शुरू कर दिया, कोई मुझे बताएगा, संजोली, करुणा,
दीपेंद्र सिंह सर, पेपर में ओनली इंडियन हिस्ट्री ही आती है या वर्ल्ड आल्सो? हम इंडिया के कंट्रास्ट में ही बात करेंगे, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और एक दो क्वेश्चन आते हैं हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? अगर जो टॉपिक्स आते आने वाले होंगे छुप जाएंगे। सोनाली संजोली, मैंने कंडीशन दी थी कि छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्योंकि चारों तरफ खुला मैदान है। दीपेंद्र सिंह आर्किटेक्चर जो प्रोटेक्शन मटेरियल देखेंगे, ठीक है? तो मैंने वेरी गुड स्टोन एज, आपके आंसर आए हैं स्टोन एज स्टोन एज स्टोन एज, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि स्टोन एज वो एज है जिस एज में इंसान ने क्या करा था, एज मतलब वो वक्त का पूरा ग्रुप। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब हम सब तब समझेंगे एजेस क्या होती हैं, एपोचेस क्या होती हैं, एरास क्या होते हैं, ठीक है? एज का हम लोग बस इतना समझेंगे, एक वक्त का एक पैमाना, जैसे वन डे होता है वन ईयर होता है वैसे एक एज, ठीक है? वो पूरी की पूरी एज जिसमें इंसान ने टूल्स का यूज करा, ठीक है? किसके टूल्स का? पत्थरों के टूल्स का यूज करा, उसे हम कहते हैं स्टोन एज। उसे क्या कहते हैं? स्टोन एज। उसे हम कहते हैं स्टोन एज, ठीक है? अब जो था इंसान ने पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया, तो इंसान का स्टोन एज में क्या था? पत्थरों से यूज करके उसने अपना रोजमर्रा का काम चलाना शुरू कर दिया, और तब का जो बंदर था वो आज के इंसान की तरफ बढ़ने लग पड़ा, मतलब धीरे धीरे इवोल्व करना शुरू कर दिया। संजोली पैलियोलिथिक पीरियड, इसके बारे में हम आएंगे पैलियोलिथिक पीरियड की आज ही हम बात करेंगे, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है? हमने ये बात कर ली स्टोन एज की, ठीक है, कि जब पत्थरों का यूज होना शुरू हुआ तब उसको कहते हैं स्टोन एज। किसी को कोई डाउट कि स्टोन एज किसे कहते हैं? अभी सारों को क्लियर हो गया स्टोन एज क्या होती है? वो पीरियड जब इंसान ने पत्थरों को एज अ टूल यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है? और सबसे पहला जो एज है वो इंसान की ये ह्यूमन हिस्ट्री में स्टोन एज ही है। कौन सा है? स्टोन एज है। सबसे पहला जो एज है वो स्टोन एज है। इसके बाद काफी सारे एजेस आते हैं, वो जब जब हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ में करते रहेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? तो हम चीजों को सिंपल रख के आसान से आसान बना के समझेंगे। तो अब देखिए, आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें, तो अगर आपने, हम सब तो बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स की बात करें, तो अगर आपने देखा होगा कि क्या होते थे, टेलीफोन्स होते थे। कौन से टेलीफोन होते थे? ठीक है, लैंडलाइन होते थे। उसमें क्या होता था? एक बड़ा सा फोन होता था, डायल करने के लिए डायल बॉक्स होता था, और एक रिसीवर होता था, उसे जैसे उठा के बात करते थे। याद है आप सभी को? आपने कहीं ना कहीं मूवीज में देखा होगा, या जब हम बचपन में छोटे थे, जब तक हमारे पास इंडिया में क्या कहते हैं स्मार्टफोन भी छोड़िए मोबाइल फोन्स नहीं आए थे, तब तक हमारे घरों में वही होते थे, ठीक है? हम सभी ने देखे होंगे बचपन में, तो वो फोन थे। फिर इंसान ने क्या करा? इंसान का क्या करता है? इवोल्व होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या आ गया, क्या आगे, कौन से फोन आगे? वायरलेस फोन आगे। बड़ा सा फोन होता था, उसमें सिर्फ रिसीवर होता था, और रिसीवर में डायलिंग का पैड होता था, ठीक है? उसी को कान लगा के बात हो जाती थी। उसके बाद अगर हम 5-7 साल और आगे आ जाएं, तो मोबाइल फोन्स आ गए, छोटा सा फोन जिसे हम जेब में रख के चल सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें मैसेजिंग भी ऐड हो गई, हम लोग मैसेज भी भेज सकते थे, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंटरनेट आ गया, 2G आ गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, स्मार्टफोन्स की तरफ आ गए, 3G आया, 4G आया, तो 5G की बात चल रही है। इस सब में हमने क्या देखा, इंसान क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करता है अपनी बेटरमेंट के लिए। ये हमने ही नहीं करा है, हमारे पूर्वजों को देखोगे आप शुरू से लेके आज तक, तो उनका काम ही ये है। अगर आज से 10 साल बाद की बात करें, तो हो सकता है हम लोग टेलीपोर्टेशन टेलीपैथी में पहुंच जाए। 10 साल तो नहीं कह सकते हैं, 100 साल 200 साल पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, हम लोग भी डिसाइड नहीं करें, हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है, कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसमें लोग टेलीपैथी करें। अब टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी में मतलब हम लोगों को फोन की जरूरत ही ना हो। जैसे एलोन मस्क ने अभी एक चिप पे काम कर रहा है उस, ठीक है, वो क्या करेगा, चिप लगा देगा सीधे दिमाग में, आपने जिसको मैसेज भेजना होगा उसको याद करना है, और जो आपने उसको बोलना है वो दिमाग में सोचना है, तो अगले बंदे को खुद ही खुद बदल जाएगा, वो टेलीपैथी हो गया। अब टेलीपोर्टेशन क्या होती है? टेलीपोर्टेशन आज जैसे मान लो आज यहाँ से मुझे अमेरिका जाना है, या यहाँ से मुझे जलंधर जाना है, यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, तो हम क्या करेंगे आज, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, बस लेंगे, या फिर प्लेन लेंगे, या फिर क्या लेंगे, ट्रेन लेंगे, या फिर समुद्री जहाज से जाएंगे, ठीक है? हमारे पूर्वज क्या करते थे, उनके पास ना प्लेन था, ना फिर उनके पास क्या था, इंजन वाली गाड़ियां थी, तो वो क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, ठीक है, उससे पहले इंसान पैदल ही जाता था। तो वैसे हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इतने इवोल्व कर जाएं कि टेलीपोर्ट ही कर जाएं, ठीक है? इतनी कोई टेलीपोर्टेशन स्टेशन बन गया, वहां पे इंसान जा रहा है, मैंने वहां जाना है, अमेरिका जाना है, या मार्स जाना है, बस एक सेकंड में, ठीक है? तो ये हमने समझा कि इंसान का कैसे एवोल्यूशन होता है, और इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इवोल्व करता रहता है, ठीक है? उसी तरह स्टोन एज में भी जो हमारे पूर्वज थे, उसी तरह उन्होंने भी अपने आप को कंटिन्यूस इवोल्व करा, ठीक है? तो स्टोन एज में सबसे पहले जो थे
ठीक है, एक ऐसी एज थी जिसे अर्ली स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, उसके बाद मिडल आ जाती है, उसके बाद न्यू आ जाती है। उसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंसान ने जो पत्थर यूज कर रहा था उसको मॉडिफाई करते 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 एडवांस बनाता गया। ठीक है, आओ हम लोग वही समझते हैं मिलके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज को हम लोग अगर ऊपर ऊपर से देखें तो तीन तीन पीरियड्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों में से किसी ने क्या करा था, कमेंट करा था कि पैलियोलिथिक, क्या हो गया सबसे पहला? पैलियोलिथिक एज या पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मीसोलिथिक। ठीक है, और थर्ड आ गया हमारे पास नियो लिथिक। तो ये हैं स्टोन एज के तीन फेजेस। पहले पैलियोलिथिक आया, मीजोलिथिक आया, नियोलिथिक आएगा, इसके बारे में हम सबसे पढ़ेंगे। चालकोलिथिक अलग है, चालकोलिथिक कोपर एज में आ जाता है। ठीक है द्रुपिंदर, तो हम लोग यहां से लेके आज तक पहुंचेंगे पूरी हिस्ट्री के। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से लेके हम आज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पैलियोलिथिक से। तो जो हमने यहां पे देखा पैलियोलिथिक, ठीक है, ये बनाया दो शब्दों से, पैलियो और लिथिक से। ठीक है, दिख रहा है आप लोग सभी लोगों को? जो पैलियोलिथिक है वो मिलके बना है दो शब्दों से, पैलियो और लिथिक से। ठीक है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड या फिर एंशियंट, ओल्ड या एंशियंट, ठीक है, मतलब पुराना। ठीक है, पहले का वो क्या हो गया? पैलियो। ये सब ग्रीक के टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, ग्रीक, आपको पता है जब हम साइंस हिस्ट्री कोई भी ऐसी चीज पढ़ते हैं उसमें ग्रीक लैंग्वेजेस का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ग्रीक को डेड लैंग्वेज भी कहते हैं, इसमें कोई और अब चेंजेस तो हो नहीं सकते, तो ये बेस्ट लैंग्वेज बन जाती है हमारी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। इसलिए जितना भी हम लोगों के पास जितने भी साइंस हो गया, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इनमें टर्म्स यूज होती है, वो हम लोग किसकी यूज करते हैं? ग्रीक लैंग्वेजेस की। तो पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड। ठीक है, अब लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। लिथिक का क्या मतलब होता है? स्टोन। तो ये क्या हो गया? पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड। ठीक है, पैलियो का मतलब क्या हो गया? ओल्ड। ठीक है, लिथिक का मतलब क्या हो गया? स्टोन। और एज हमारे पास वैसे का वैसा, तो ये क्या बन गया? लेमन लैंग्वेज में कहें, आम बंदे की भाषा में कहें तो पैलियोलिथिक एज का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। क्लियर, यहां तक सभी को पता चल गया कि पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है? डोंट वरी, पीडीएफ का देखते हैं बाद में, तुम्हें ग्रुप में बता देंगे। अभी तुम इतना बताओ, तुम्हें ये पता चल गया कि पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है? ठीक है, पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग देखें मीजोलिथिक पे, ठीक है, तो अगर हम लोग मीजोलिथिक में देखें वैसे ही, तो अगर मीजोलिथिक पे आए तो मीजोलिथिक भी बना है दो शब्दों से। मीजो का मतलब बीच का, है ना, बीच का मतलब क्या होता है? मिडल। बीच का मतलब हो गया मिडल। और लिथिक का मतलब हमने देख लिया है, मतलब स्टोन, स्टोन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मिडल स्टोन एज, मतलब ये पैलियो के बाद आई और नियो से पहले आई, मतलब पैलियो और नियो के बीच में है, तो इसे कहते हैं मिडल स्टोन एज। वेरी गुड अंकिता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नियोलिथिक स्टोन एज या फिर नियोलिथिक एज। अब नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू का क्या मतलब होता है? न्यू। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो नियोलिथिक, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, नियोलिथिक का क्या मतलब हो गया लेमन लैंग्वेज में, आम बंदे की भाषा में जिसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है वो क्या कहेगा नियोलिथिक को? न्यू स्टोन एज। गुरप्रीत कौर, वेरी गुड। अंकिता, न्यू स्टोन एज, वेरी गुड। किरणजीत कौर, न्यू स्टोन एज, वेरी गुड। तो क्या कहेंगे उसे? न्यू स्टोन एज, उसे कहेंगे न्यू स्टोन एज। तो तीन हिस्सों में हमें मिल गई है, तीन हिस्से में पता चल गए। सबसे पहले क्या आता है? ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद मिडल स्टोन एज, उसके बाद क्या आता है? न्यू स्टोन एज। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसके बाद हम लोगों को ये चीज तो पता चल गई कि स्टोन एज तीन हिस्सों में है, पहले पैलियो, मीजो और नियो, लीमन लैंग्वेज में कहें तो ओल्ड, मिडल और न्यू। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो पैलियोलिथिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे नियो की तरफ आएंगे। नियो खत्म करके हम लोग चालकों में भी जाएंगे और चालकों के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग अभी शुरू करते हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज की सबसे पहला फेज था, क्या था, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला फेज आता है पैलियोलिथिक स्टोन एज। क्या आता है? पैलियोलिथिक स्टोन एज। अब इसमें पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, याद रखने की क्या चीजें हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज में, क्या याद रखने की चीज है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो पार्ट कवर करता है, सबसे लंबा जो पार्ट है वो है पैलियोलिथिक स्टोन एज। वो क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट जो है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो क्या है? पैलियोलिथिक स्टोन एज, ठीक है, ये सबसे लंबा चला। लेकिन देखने वाली बात ये है कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में क्या होता था, हमारे पास जैसे हमने डिस्कस करा रिटन कोई प्रूफ है नहीं, ना वहां पे आप थे, ना हम थे, ना हमारे माँ बाप थे, ना हमारे दादा दादी थे, ना हम थे, ना उनके कोई माँ बाप थे, उनके दादा दादी भी नहीं थे वहां पे, तो ना हमारे पास कोई रिटन प्रूफ है, तो हमें पता कैसे चला कि इंसान नियोलिथिक था, पैलियोलिथिक था, मीसोलिथिक था। ये सब हमें पता चलता है साइंटिफिक स्टडी से, एक साइंटिफिक स्टडी से, उसको क्या कहते हैं, रविंद्र सिंह के पेंटिंग, के पेंटिंग भी उन्हीं स्टडी में से एक छोटा सा हिस्सा है, उस पर भी हम बात करेंगे, अंकिता फॉसिल्स, ठीक है, जो ये भी आप सब बता रहे हो फॉसिल्स के पेंटिंग ये वो, इन सब को एक साइंस है जो स्टडी करती है, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, दुनिया भर में कई तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे जाएंगे, वहां पे खुदाई करेंगे, वहां पे सर्वे करेंगे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है या नहीं होगा, या कहीं पे कोई चीज मिलती है, ठीक है, वहां पे जाएंगे, वहां पे स्टडी करेंगे, वहां पे जो चीजें मिलेगी उनके कार्बन डेटिंग करेंगे, उसे पता चलेगा ये कितनी पुरानी है, ठीक है, उसकी स्टडी करके समझने की कोशिश करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त में अगर इंसान ऐसे ऐसे करता था तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, जैसे कि इंसान के पास दिमाग है, कि अगर हम लोगों को मान लो पत्थर मिल गया और कोई ऐसा पत्थर है जो कॉमन नहीं है, जो थोड़ा अगर अनयूजुअल है, अनयूजुअल पत्थर का मतलब क्या है, जो नॉर्मल पत्थर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, गोल मटोल नेचर में जैसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अनयूजुअल पत्थर कैसा होता है, अनयूजुअल पत्थर वो होता है, मान लो उसकी कोई छोटी सी शेप है या कोई अलग शेप है या अलग साइज है, तो इंसान को जब वो मिला होगा साइंटिस्ट को, तो उन्होंने देखा होगा कि यार ये तो कोई टूल बनाया है इंसान ने, और जब उसकी कार्बन डेटिंग देखी तो इतना पुराना है, इतना पुराना टूल बनाया है, मतलब इतने टाइम पहले जो इंसान था वो क्या करता था, टूल का यूज करता था, ठीक है। मुझे एक सेकंड का वक्त दीजिए, कुछ ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इंसान जब क्या था, शुरू में इंसान ने देखा, इंसान ने शुरू करा कि जो भी चीजें थी हमें पता तो थी नहीं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले ने, जैसे इंडिया की बात करें तो, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने क्या करा, स्टडी करी, उन्हें रॉक्स मिले, उन्होंने देखा कि ये अनयूजुअल रॉक्स हैं, आम रॉक्स की तरह नहीं है, इनका कोई टूल बनाया गया, और टूल किसने बनाया होगा, जो उस वक्त में इंसान रहते हैं, जानवर तो टूल्स नहीं बनाते हैं ना, तो उससे उन्हें पता चला कि ये आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इस टूल की, उनकी स्टडी करते हैं, तो उन्हें पता चला कि ठीक है भाई ये कोई पुराना आदमी होगा। अब हमें क्वेश्चन आता है कि उसे पता कैसे लगी, पैलियोलिथिक में भी स्टोन के टूल्स मिले हैं, मीसो में भी स्टोन के टूल मिले और नियो में भी स्टोन के टूल मिले, अब उसे पता कैसे चलेगा कि ये पैलियो के थे, नियो के थे, मीसो के थे, क्योंकि टूल्स में तो लिखा नहीं होगा। जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी चीज खरीदते हैं हम लोग सुपरमार्केट से, उसके पीछे सब कुछ लिखा होता है, क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। वेरी गुड दीपेंद्र, डिफरेंस ऑफ स्टोन यूज, यस, डिफरेंस भी कैसा, जब उन्होंने, जैसे हमने बात करी थी टेलीफोन की, मोबाइल फोन की, ठीक है, तो आज से मान लो 100 साल पहले कोई पुराना म्यूजियम में जाता है, वहां पे फोन पड़े हैं सारे, तो वो देखिए तो कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटा सा है और इससे ज्यादा काम करता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है, वो बता पाएगा ना इंसान, ये इंसान ने जब इवोल्व हुआ, जब उसकी क्या हुई, जब वो क्या कर रहा था, इंसान इवोल्यूशन कर रहा था, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा था, तो उसने ये ऐसे से करा होगा। वैसे हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक स्टोन एज के जो टूल्स थे वो बड़े बेसिक थे, ठीक है। जैसे पहले पहले इंसान ने क्या करा, मैं आप लोगों को टूल्स दिखाता हूं पहले, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। अगर ये टूल्स देखें तो देखो, सबसे पुराने टूल्स देखें अगर हम लोग, ये क्या है, लगभग एक पत्थर ही है,
ठीक है, लगभग क्या, एक पत्थर ही है। पत्थर को क्या करा, देखो यहां से ध्यान से देखोगे तो यहां से धार बनाई है पत्थर की, है ना, यहां से क्या करा है, धार बनाई है। ठीक है, यहां से देखोगे इस टूल को देखोगे तो यहां से धारदार है, यहां से धारदार है, दिख रहा है आप सभी को, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि इंसान ने ऐसे टूल बनाए हैं। अगर हम लोग फिर देखते हैं थोड़े टाइम के बाद, हमें कुछ जगह पे ऐसे टूल्स मिल रहे हैं जो और भी ज्यादा मॉडिफाइड थे, जैसे हम ये देखते हैं। ठीक है, ये न्यू के टाइम पे जब हम आ जाते हैं, न्योलिथिक मतलब बिल्कुल न्यू, तो हम कोई कह सकता है ये पत्थर का बना है, देख के तो हम लोग कंफ्यूज हो जाए कि नहीं ये तो कोई मेटल के होंगे, लेकिन ये मेटल के नहीं, ये पत्थर के टूल्स हैं। तो इंसान ने कितना मास्टर कर लिया पत्थर पे कि उसने इतने एडवांस टूल्स बना दिए। कोई कह सकता है ये तलवार से कम है या भाले से कम है? ठीक है, पूरी धार दवार देके उसको पॉलिश वॉलिश करके धीरे धीरे जो मीसोलिथिक में आते हैं हम लोग, उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, माइक्रोलिथ बनाना शुरू कर दिया सॉरी, और जब न्यू में आते हैं उसने पॉलिश वॉलिश करना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे एडवांस हो रहा था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अलग अलग तीन स्टेजेस रही होंगी, यहां से यहां तक, इस टाइम से इस टाइम तक जो टूल मिले कार्बन डेटिंग से, हमें पता चला कि ये इससे इस टाइम तक है, वो हमें पता चला कि ये पैलियो है, और ये हमें पता चला दूसरे में, दूसरी तरह के हमने देखे तो हमें पता चला कि ये मीसो है, तीसरे में हमें पता चला कि ये नियो है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, पैलियो। तो हम पैलियो पे जब वापस आते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक स्टोरेज। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ह्यूमन, अगर आपने किसी ने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें ह्यूमन की बहुत सारी क्या थी, क्या थी, बड़ी सारी फेजेस थी। पहले क्या था, अलग अलग बंदर था, फिर आपने वो इमेज तो देखी होगी ना जिसमें एक बंदर होता है वो धीरे 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 इंसान बन रहा होता है और आज का मॉडर्न मैन बन जाता है, देखिए ना, वैसे जैसे बहुत सारे ह्यूमन के स्पीशीज थी, जैसे रैमोपथिकस, ऑस्ट्रोपथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निथेंड्रल मैन, उसके बाद क्या है, होमो सेपियन आया। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जो सारे के इंसान के क्या थे, पूर्वज थे, एंसिस्टर थे। ठीक है, ये सब लोग क्या थे, पैलियोलिथिक एज में ही इवोल्व हुए, और पैलियोलिथिक एज के लास्ट के टाइम में, पैलियोलिथिक एज के जो लास्ट का टाइम था, एंड का टाइम था, ठीक है, लास्ट ऑफ पैलियोलिथिक एज में जो पहला होमो सेपियन था वो धरती पे अपीयर हुआ, मतलब होमो सेपियन इसी टाइम में आया पैलियोलिथिक के टाइम पे। ठीक है, और वो भी जो होमो सेपियन था वो क्या था, किस रेस से था, अलग अलग रेस होती है ना, जैसे निग्रीटो होगी, मैंगलोइड होगी, अगर सब रेस की बात करें तो आर्यन रेस हो गई, कई सारी रेसेस ऐसे, ठीक है, वर्ल्ड में। तो सबसे पहला जो ह्यूमन था वो था निग्रीटो रेस का, कौन सी रेस का, निग्रीटो रेस का। अब मुझे जल्दी से कोई बताया देगा कि निग्रो कौन होते हैं या निग्रीटो रेस कौन सी है, जिन्हें हबशी भी कह देते हैं कई बार, निग्रीटो रेस कौन सी है, अफ्रीकन्स, वेरी गुड, जो लोग अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, उनके बॉडी फीचर्स आज भी उसी तरह के, उसी जमाने के लोगों की तरह हैं, बड़े बड़े मस्कुलर लोग हैं, बड़ा जा है, ठीक है, मतलब जो उनका मुंह का जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी मस्कुलर बॉडी है, डार्क कलर का उनका स्किन का कलर है, ठीक है, तो वो जो रेस है उसे कहते हैं निग्रीटो रेस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पहली जो रेस थी होमो सेपियन की जो अस्तित्व में आई थी, तो वो कौन सी थी, निग्रीटो रेस, ठीक है। और इंसान पहली बार कहाँ आया था, अब तो अगर हम देखें तो ये है हमारा अफ्रीका, तो जैसा हमने पढ़ा कि निग्रीटो रेस थी, तो ऑब्वियसली निग्रीटो रेस अफ्रीका में ही होगी, अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था। तो इंसान कहां से ओरिजिनेट हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, महाद्वीपों को सभी को पता है ना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ठीक है, ये एशिया है, ठीक है, ये ओशियाना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये हम सभी को पता ही है। तो हम बात करेंगे अफ्रीका की, और जब जब हम लोग इन टॉपिक्स पे आएंगे तो इनके बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि महाद्वीप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है, ये जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बस आज इतना पढ़ेंगे कि जो निग्रीटो रेस का ह्यूमन था उसका ओरिजिन कहां पे हुआ था, उसका ओरिजिन हुआ था कहां हुआ था, अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहां पे, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है एथियोपिया, क्या नाम है, एथियोपिया, काफी न्यूज में था रिसेंटली, क्यों, इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो इस वजह से काफी न्यूज में था। और ये इथियोपिया है कहां पे, ये है जो होर्न ऑफ अफ्रीका है, होर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का, अगर आप मैप में देखोगे अफ्रीका में, अफ्रीका को, तो एक देखो ये जगह आती है जो राइनो के होर्न की तरह, राइनो के सींग की तरह देख रहा ना ये चार, इसे कहते हैं होर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे इसी के साथ में जो एक कंट्री है उसका नाम है इथियोपिया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है इथियोपिया, क्या है ये, एथियोपिया, यहीं से इंसान का ओरिजिन हुआ था, क्या हुआ था, इंसान का यहीं से ओरिजिन हुआ था, ठीक है, एनी डाउट यहां तक।
और थोड़े से पॉइंट और कर लेते हैं और ताकि हम लोग आज पैलियोलिथिक खत्म करके अगले पे पहुंच सके, कल से हम लोग मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक पे पढ़ सके, ठीक है। तो इंसान का कहां से ओरिजिन हुआ था? एथियोपिया से, ठीक है। और जो पहले के ह्यूमंस थे या ह्यूमन के एंसेस्टर थे वो क्या थे, उनका पेशा क्या था? उनका पेशा था हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड क्या पेशा था उनका, जल्दी से बताइए मुझे। उनका पेशा था हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या होता है? हंटिंग तो आप सभी समझते हैं शिकार करना, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इधर उधर जाके तरह तरह की चीजों को इकट्ठा करना, जैसे अलग अलग वेजिटेबल्स हो गए, मशरूम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो उनको जिन चीजों को इंसान खा सकता है, तो इंसान को शुरू से तो ये पता नहीं था कि हम लोग क्या है, गाजर खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के मशरूम को खा सकते हैं, इसको खाया तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है या हम बीमार हो सकते हैं। तो इंसान क्या करता था, इंसान क्या करता था, जैसे आज भेड़िए रहते हैं, इंसान जो है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी में ग्रुप में, जैसे आजकल क्या रहते हैं पैक में रहता है ना, कौन से वुल्व्स भेड़िए, उसी तरह इंसान क्या करता था, झुंड में रहता था। तो मान लो ये पूरा एक झुंड है 100 बंदों का, ठीक है, कितने बंदों का, 100 बंदों का, जितने को भी आप इमेजिन कर सको, एक बहुत बड़ा झुंड है। वो एक जगह गया, वहां पे उन्हें कोई नई वेजिटेबल दिखी, कोई नया मशरूम दिखा, कोई नई चीज दिखी, तो पहले क्या करेगा, सारों को भूख लगी, एक क्या करेगा, एक इंसान ने उसे उठाया और खा लिया, और बाकियों ने ऑब्जर्व करा कि जिन लोगों ने या जिस इंसान ने ये चीज खाई वो अगर बीमार हो गया या मर गया, तो उन्हें पता चल गया कि यार इस चीज को खाने से ये तो बीमार हो गया या मर गया, तो मतलब ये चीज क्या है, जहरीली है, इसे नहीं खाना है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसानों को पता चलता गया। आजकल क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें बता देते हैं कि ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है, हमें बचपन से सब पता होता है। लेकिन जब इंसान शुरुआत से शुरुआत करी इंसान ने, तब उसे ये चीजें पता नहीं थी, तो उसने यही सब एक्सपेरिमेंट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से ये चीजें सीखी, ठीक है। और उसने जब उसे नॉलेज हो गया तो उसने गैदरिंग शुरू कर दी, उसे पता था ये वाला मशरूम हम खा सकते हैं, ये वाला फ्रूट हम खा सकते हैं, ये वाला पत्ता हम खा सकते हैं, ये वाला पत्ता हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो इंसान को जब ये चीजें पता चली, उसने हंटिंग और गैदरिंग करता था वो, तो गैदरिंग शुरू कर दी, ठीक है। हंटिंग तो इंसान को पता था कि पत्थर मारूंगा कोई जानवर मर जाएगा, उसे खा लूंगा, पहले तो आग का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन इसी पीरियड में उसे आग का भी नॉलेज हो गया, तो वो पका के खाने लगा, उसका दिमाग ज्यादा बढ़ने लगा, ज्यादा अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, ज्यादा अच्छी डाइट मिल रही है, तो बंदे का दिमाग भी ज्यादा काम करेगा, हर टाइम भूखा रहेगा तो शिकार 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 सोचता रहेगा, जब पेट भरा है तो कुछ आगे का भी सोच पाएगा, कुछ एडवांसमेंट कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, ठीक है। तो पहले का इंसान क्या था, हंटर और गैदरर, हंटर और गैदरर, ठीक है। अब और एक और बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त क्या था, उस वक्त था आइस एज, बहुत ठंड, चारों ओर क्या बर्फ ही बर्फ। आप सभी लोगों ने शायद मूवी देखी हो आइस एज, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक हाथी होता है, ठीक है, मैनी क्या नाम है उसका, आप सभी ने लोगों ने देखी होगी, ठीक है, आइस एज, ठीक है, यस आइस एज, ठीक है। तो आइस एज में क्या था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फ ही बर्फ, ठंड ही ठंड, तो इंसान नंगा तो चल नहीं सकता। उसकी फर क्या थी, जब वो इंसान बन रहा था तो उसकी फर क्या थी, झड़गी थी, तो उसने क्या करा था, वो क्या करता था, इंसान थोड़े थोड़े बाल थे लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं थे खाल की उसकी कि उसको सर्दी से बचा सके, तो वो करता था जो जानवरों का शिकार करा उन्हीं के खाल को अपना कपड़ा बना के पहन लिया, ठीक है, उन्हीं कपड़ों को पहन लिया, क्योंकि अभी तक इंसान को कपड़े बनाने का नॉलेज नहीं था, ठीक है, कपड़े बुनने का या कपड़े बनाने का नॉलेज नहीं था, ना ही उसको किसानी का या खेती का, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं, उसका नॉलेज नहीं था। क्यों नहीं था, अगर होता तो हंटिंग और गैदरिंग क्यों करता, वो फार्मिंग करता, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो हंटिंग और गैदरिंग ही करता था, इस तरह की इंसान लाइफ जीता था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, वो अलग अलग चीजें डिस्कवर करता गया और आज के ह्यूमन तक पहुंचता गया। हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे इंसान जंगली से सिविलाइज बन रहा है। आप लोग सभी लोगों को समझ आ रही है तो जल्दी कमेंट करके बताइए, बस छोटा सा यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। संजोली क्लियर, किरणजीत, अंकिता, मीनू, आप सभी को कैसा लेक्चर कैसा लग रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, यस यस मनजीत, ठीक है। आप ये सब हम जो फीडबैक है थोड़ी देर में, इंटरेस्टिंग संजोली, हम जो इंटरेस्टिंग एंड इजी, दरबिंदर, वेरी गुड, मतलब आप लोगों को समझ आ रही है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें देख लेंगे। तो हमने बात करी वो हंटर और गैदरर था, लेकिन किस तरह के टूल्स यूज करता था। तो सबसे पहले जो इंसान था उसने पत्थर को छोटा मोटा मॉडिफाई करके उसकी एक्सिस बनाई। मान लीजिए जैसे अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या करेगा इंसान, जैसे ये है तो यहाँ पे एक डंडा लगा देगा, ठीक है, यहाँ क्या करेगा,
एक डंडा लगा देगा और ये क्या बन गया, कुल्हाड़ी बन गई। यहाँ पे जैसे यहां से शार्प कर रहा है तो यहाँ पे कोई डंडा लगा देगा और इसको क्या करेगा, यहां से पत्तों से बांध देगा, तो ये क्या बन गई, कुल्हाड़ी बन गई। उस टाइम पे मेटल नहीं था, इंसान को मेटल का नॉलेज नहीं था, अदरवाइज तो आज की तरह चेन सो और मेटल मेटल की वो कुल्हाड़ी बनाता, लेकिन उसे नॉलेज नहीं था। नॉलेज क्यों नहीं था, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना नहीं था कि वो पत्थरों से, अब देखो मेटल जो होता है, कोई भी मेटल प्योर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय गोल्ड के, ठीक है। अगर आप कहीं पे गोल्ड रश हो रहा हो, जैसे अलास्का में होता है या हमारे जो भी केजीएफ सभी ने देखी होगी, पोलार गोल्ड फील्ड है ना, तो उसमें क्या होता है, इंसान अगर गोल्ड जो होता है वो साफ पड़ा होता है, ठीक है। अगर नदी के किनारे तुम जाओगे जहां पे गोल्ड ठीक है मिल सकता है, तो तुम ऐसे हाथ में कोई उसका मिट्टी या रेत का जो भी वो पत्थर के लोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे तुम्हें गोल्ड के, मतलब वो एग्जिस्ट करता है खाली। बाकी अपने ओर्स में, बाकी जितने मेटल होते हैं वो अपने ओर्स में, मतलब ओर्स क्या होते हैं, पत्थरों की तरह मिनरल्स में, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, पत्थरों से मिलते हैं, पत्थरों की तरह एग्जिस्ट करते हैं और उन पत्थरों को अलग अलग प्रोसेस से, जिसे मेटलर्जी कहते हैं, कभी हीट करके कभी कुछ करके हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां तक इंसान को वो चीज नहीं आती थी, तो इसके पास मेटल नहीं था, उसके पास क्या था, लकड़ी थी जो कहां पेड़ पौधों से मिल जाती थी, और क्या था, फिर पत्थर थे, तो लकड़ी और पत्थरों का ही वो हथियार बनाता था, तो इसलिए वो लकड़ी ली, बेल से यहां से बांध दिया, तो क्या बन गया, कुल्हाड़ी बन गई, ठीक है। तो जो हमारा पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, जो पैलियोलिथिक एज है वो भी हमारा तीन स्टेजेस में आता है। कौन कौन सी तीन स्टेजेस में, एक आता है अर्ली, मिडल और लेट। इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, यहीं से अपना कल हम अपना लेक्चर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम हो चुका है, हमारा आज ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और आप लोगों को जो आज हमने पढ़ा वो समझ आ गया। थैंक यू सर करुणा किरण जी, थैंक यू सर, थैंक्स सर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा, एंजॉयड लेक्चर संजयली, वेरी गुड, थैंक्स सर, बहुत अच्छा था, थैंक्स सर, गुड लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर सर, थैंक यू सर, इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू सर, ओके वेलकम ऑल, ठीक है। तो अब हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और कल मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे।